सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गाइस। पहुंच गए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई, जैसा कि आपको पता, अपना सोलो में कॉन्करर पुश करते हैं गाइस। आज की वीडियो भाई आपके लिए स्पेशल। अगर आप भी कॉन्करर पुश करना चाहते हो तो भाई आप भी मेरे तरीके से बहुत ही बढ़िया कॉन्करर पुश कर सकते हो। अब मैं सवेरनी उतरा था, सवेरनी में अभी तो कोई नहीं उतरा, बट पूरी वगैरह लूट जमा कर लेता हूँ तब भाई सवेरनी आती है दो टीम अप, ठीक है। अब वो दोनों टीम अप भाई मेरे पास आके बोट फायर वगैरह करती है, तो उनको भाई अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से मारते हैं। तो गाइज, अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर अपने आप सवर्नी पूरी लूट कर लेते हैं। अब जो इन्होंने स्पाइडरमैन वाला मोड था वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, वो स्पाइडरमैन वाला मोड पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इन्होंने कोई भाई कोई नया ही मोड लाया है, वो वाला मोड आपको मेरे वाले गेम में मिल जाएगा। और तो गाइज, आज की वीडियो में दो गेम प्ले हैं, दोनों में भाई अपने जल्दी मर जाते हैं, बट उससे पहले अपने भाई बंदे मारते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब जल्दी से लूट करते हैं, उसके बाद इधर से बंदे मारेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी सवर्नी लूट करने के बाद इधर दो बंदे आते हैं। तो अब ये यूएमपी वाले की भाई एक्टिंग देखो, इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है कि भाई जैसे कोई भी बंदा सवर्नी होएगा ना, डायरेक्ट इसके ऊपर पुश कर देगा। बट भाई हर कोई इतना पागल नहीं होता, हर कोई भाई देखता है, क्योंकि काफ़ी देर होगी सवर्नी कोई बंदा तो उतरा नहीं था, तो बोट आना होता तो भाई स्टार्टिंग में बोट आ जाता। गाइस, आप भी ऐसे किसी के ऊपर पुश मत क्या करो कि भाई सामने वाला बोट है। अब ये सामने वाले को मारने के लिए अपने पीछे से बग्गी उठाते हैं और इस बंदे के ऊपर डायरेक्ट पुश करते हैं, फिर देखते हैं बोट है रियल है। क्योंकि भाई ये वाला ना, क्योंकि बंदे ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम बोट फायर देंगे, बंदा पूरा का पूरा ओपन में आएगा और हम उसको मार देंगे। अब जल्दी से बग्गी उठाते हैं और डायरेक्ट उस बंदे के पास चलते हैं, देखते हैं रियल है बोट है। तो भाई जैसी गाड़ी ले गया, इतनी देर में पता लग गया कि राइट वाले कंपाउंड में बंदा है, तो ये गाड़ी वापस घुमाते हैं और डायरेक्ट इस बंदे पे ठोक देते। बट भाई पता लग गया सबको कि बंदा बोट फायर दे रहा था, बट ये रियल है। तो अब गाड़ी रोकते हैं, और तो भाई ये वाले बंदे को अपने ने बहुत ही ईजी तरीके से मार दिया। बट इतनी देर में ना यहाँ पर एक और बंदा होता है, वो वाला बंदा भी ये वाले बंदे के साथ आता है, तो वो वाले बंदे को भी मारते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे बंदे की लोकेशन पता नहीं चलती, बट जैसी मैं मेरी बग्गी घुमाता हूँ, इतनी देर में वो वाला बंदा भी भाई फायर देने लग जाता है। अब देखना भाई, वो वाला बंदा पूरा का पूरा मेरे सामने होता है। तो भाई देखो, ये यहीं पर ही बंदा बैठा है, तो ये वाला बंदा अभी भी ना भाई थोड़ी थोड़ी बोट फायर देने लगता है। तो अब यहाँ पर रुकते हैं, इस वाले बंदे को नेट वगैरह, तो ये वाले बंदे को सबसे पहले अपने बोम करते हैं, क्योंकि भाई बंदा ना पूरा का पूरा उधर ही होल्ड करके बैठा था। अब देखो ये वाला नेट देखो, मेरे को यही था कि ये वाला नेट वो वाले बंदे को लग जाना चाहिए, बट अपने दूसरा एक और नेट बुक कर देते हैं। देखो ये वाला परफेक्ट नेट मैंने वाले बंदे के ऊपर मारा है, बट भाई ये हाथ से इसका कोई भी नहीं होता, और ये दूसरे वाला नेट भी मेरा वेस्ट हो जाता। अब ये लास्ट नेट पड़ा था मेरे पास, तब ये वाला नेट लगता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ये वाले बंदे के ऊपर पुश कर देते हैं। अब ये वाला नेट भी नहीं लगा, तो अपने डायरेक्ट बग्गी उठाते हैं और इस बंदे के ऊपर पुश कर देते हैं। तो भाई जैसे ही बग्गी लेके जाने लगा ना, इतनी देर में बंदा डायरेक्ट मेरे सामने वाले घर में आ गया। मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता लगा ये वाला बंदा इतनी जल्दी यहाँ पर आया तो आया कैसे। तो अब ये वाले बंदे के साथ अपने फाइट लेते हैं, बट भाई ये वाला बंदा ना थोड़ा घरों के पीछे था, दीवारों के आसपास था, तो अब ये वाले बंदे के फुटप्रिंट पड़ते हैं और इसके ऊपर डायरेक्ट पुश करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बग्गी घुमाते हैं, देखते हैं कि पूरी लोकेशन देखते हैं ये वाला बंदा किस तरफ है। तो भाई पूरा का पूरा बंदा घर के अंदर ही घुस जाता है। यहाँ पर बग्गी रोकते हैं और ये वाले बंदे को थोड़ा बाहर निकालने का अपने ट्राई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास नेट तो होता है नहीं, तो सबसे पहले पेटी में देखते हैं अगर नेट मिलता है तो, बट भाई पेटी के अंदर भी नेट नहीं था। तब यहाँ पर स्मोक से अपने ट्राई करते हैं, जैसे स्मोक खोला बंदा बाहर आ जाता है। और तो भाई ये वाले बंदे को भी अपने बहुत ही ईजी तरीके से मार देते हैं। ये वाले दोनों के दोनों बंदे टीम अप कर रहे होते हैं, इन्होंने सोचा कि बोट फायरिंग देंगे तो भाई बंदा बाहर आएगा और ये लोग मुझे मार देंगे। तो अब जल्दी से इधर से निकलते हैं और बंदे देखते हैं, फिर उनको मारते हैं। तो भाई यहाँ पर ड्रॉप भी गिरा था, बट भाई ड्रॉप के पास तो मैं जाता नहीं, क्योंकि बंदे ना बहुत ही ज़्यादा कैंप करके बैठे होते हैं। अभी यहाँ पर सामने आता हूँ, मेरे को लगा मैं इधर एक बार के लिए होल्ड करता हूँ, बट भाई इधर मेरे को मिल जाता है बंदा। तो भाई यहाँ पर बंदा देखता है तो मेरे को लगा अब चलो यही वाले बंदे से फाइट लेते हैं। बट यहाँ पर एक ही चीज़ का डर होता है कि जो सामने बंदा है ना, ये वाले घर के अंदर बंदा है, इसके पास होती है ग्रोजा। तो जैसे ही मैं रुकता हूँ, ये वाला बंदा भाई नेट वगैरह करने लग जाता है। तो भाई अपने भी नेट फेंकते हैं सबसे पहले। अब देखो ये वाला बंदा भी नेट या मोली करने का ट्राई कर रहा है, तो अपने ने एक नेट तो फेंक दिया। मेरे को लगा भाई थोड़ा वोटर डैमेज उस बंदे को लगना चाहिए, बट भाई अपने जितने भी नेट फेंकते हैं ना, उस बंदे को भाई डैमेज लगता है। और तो वो बंदा प्रॉपर डैमेज हील करने के लिए वापस फॉल बैक करता है।
तब ये वाला नेट जैसे लगता है वो वाला बंदा भाई पूरा हील करने लग जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार के लिए इस बंदे के ऊपर पुश कर देते हैं। तो अपने ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया ये वाले बंदे को, बट भाई अपने जा नहीं सकते थे क्योंकि वो वाले बंदे के पास है ना ग्रोजा थी। तो थोड़ा बहुत मेरे को ये था एक बार के लिए अगर एक से दो गोलियां भी उसकी कनेक्ट होगी ना बंदे की तो भाई यहाँ पर थोड़ा अपना खेल ख़त्म हो सकता है। तो ये बंदा इधर ही कैंप करके बैठा था, तो अपने सबसे पहले ऊपर स्मोक करते हैं। अगर मेरे पास ग्रेनेड होता तो ऊपर ग्रेनेड ही करता, बट भाई यहाँ पर मेरे पास स्मोक है तो अब यही वाला स्मोक अपने यहाँ फेंकते हैं। और तो और इसको बंदे को लगेगा कि भाई यहाँ पर बोम है, और तो और ये बंदा पूरा का पूरा रोटेट कर जाएगा। एक बार के लिए स्मोक हो जाए फिर मैं डायरेक्ट इस बंदे के ऊपर पुश कर देता हूँ। बट भाई यहाँ पर मेरे पास यूजी थी तो यूजी का थोड़ा सा इशू हो सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इस बंदे के ऊपर पुश कर देते हैं। तो भाई यूजी की एंड वाली गोलियाँ वो वाले बंदे को चिपक जाती हैं, और तो और भाई वो वाला बंदा भी ईजी तरीके से मर जाता, बट भाई वो वाले बंदे ने भी अच्छा खासा डैमेज दिया, बट भाई अपनों ने वो वाले बंदे को इजी मार दिया। अब यहाँ पर मैं जोन में ही होता हूँ तो भाई अपनों को इधर ही वेट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या सीन होता है, मेरे को ना घरों वाली फाइट बहुत ही बढ़िया लगती है। जो ओपन में एरिया होता है ना वहाँ पर अगर जिसको स्टार्टिंग में लोकेशन मिल जाती है वही मोस्टली उधर जीतता है। इधर अपने लूट वगैरह करते हैं, इधर बंदे आते हैं तो उनको मारेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं प्रॉपर होल्ड करके बैठ जाता हूँ, बट यहाँ पर एक ही दिक्कत थी, जो सामने बंदा थे ना उसके पास होती है M24, तो ज़्यादा मैं पीक दे नहीं सकता। बट इतनी देर में नीचे मेरे पास डासिया रहती है, अब तो ये डासिया वाले के ऊपर मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। भाई ये वाले बंदे को भी अपने बहुत ही इजी तरीके से मार देते हैं, बट भाई यहाँ पर तो अब जल्दी से हील करते हैं। और इधर से जोन जाने का भाई अपनों को कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा क्योंकि सामने M24 वाला बंदा है, और तो भाई सामने ना बहुत ही ओपन में बंदे लेटे पड़े होते हैं, बट उनको मैं मार नहीं सकता क्योंकि भाई जो M24 वाला बंदा है वो मेरे से ही पंगे ले रहा था। अब इधर जल्दी वेट करते हैं और इधर से निकलते हैं जैसे जोन स्टार्ट होता है। तो भाई यहाँ पर जोन तो स्टार्ट हो जाता है, बट भाई यहाँ पर मैं एक ही चीज़ की कमी मेरे को लग रही थी, भाई कोई एक अगर शैक भी होता ना तो भाई वो शैक वाले को मार के उसका शैक ले लेता, बट भाई यहाँ पर है ना मेरे से बिल्कुल भी फाइट नहीं होती। तो अब इधर बंदा देखते हैं, नहीं तो भाई अपने गाड़ी घुमा के रखेंगे। जैसे जोन में आता है उसी देर में राइट में एक बंदा मेरी गाड़ी तोड़ देता है, तो अब यहाँ पर कवर लेके तो भाई सामने वाले से अपने फाइट लेने लग जाते हैं। बट इतनी देर में राइट के अंदर भी गाड़ी आ जाती है, तो अगर ये राइट वाली गाड़ी ना आती तो सामने वाले को भी मैं इजी मार देता। तो यहाँ पर जैसे ही एक मिनट करता हूँ इतनी देर में राइट में गाड़ी आती है, और तो भाई वो वाला बंदा मुझे इजी मार देता है। तो भाई इतनी देर में मैं न्यू गेम स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सवर्नी लूट करके दो बोट मार के यहाँ पर मैं बंदा भाई ढूंढने के लिए आता हूँ। देखो यहाँ पर गाड़ी तो खड़ी होती है तो मेरे को लगा सामने बंदा होगा, बट भाई ये वाला होता है बोट, मेरे को लगा भाई यहाँ पर तो ना अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो बंदा कैंप करके बैठा होगा वो मुझे मारेगा जैसा कि मैंने सोचा था। अब यहाँ पर जो बंदा होता है वो वाला मुझे मारने लगता है, तो भाई मैं तो इसी बंदे के लिए मारने के लिए आया था, बट भाई यहाँ पर बोट आ जाता है अपने उसको मारते हैं। बट ये वाले बंदे के साथ फाइट लेने का ट्राई करते हैं, भाई जैसे ही इसका एंगल मुझे आता है तो भाई ये वाले बंदे को मैंने बहुत मारा, बट भाई जो इस बंदे की गाड़ी थी ना भाई वो वाली गाड़ी ना थोड़ी कवर अप होती है, इसीलिए वो वाले बंदे को मैं गिरा नहीं पाया। तो जल्दी से अपने गाड़ी उठाते हैं और वो वाले बंदे की खोज में निकलते हैं। तो मैं तो ढूंढने के लिए जीप वाले को आया था, बट भाई जीप वाला तो मिलता नहीं है, पर सामने मुझे एक बग्घी दिख जाती है, तो मेरे को लगा यहाँ पर तो बंदा होएगा ही होएगा। तो जल्दी से वाले बंदे को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाले बंदे को पता नहीं लगा कि भाई इस तरफ एक गाड़ी आ चुकी है जो कि मैं हूँ। तो अब डायरेक्ट भाई थोड़ा आगे चलते हैं, ये वाले बंदे की लोकेशन देखते हैं और इसके पास जाके मारते हैं। अब देखो सामने वाले बंदे ने ऊपर वाला गेट खोला है, तो भाई देखो अगर मैं यहाँ से गया ना तो बंदा डायरेक्ट मेरे को ओपन में मार देगा। तो पीछे वापस चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और डायरेक्ट उस बंदे के ऊपर ठोक देते हैं। तो भाई गाड़ी निकाली और डायरेक्ट ये बंदे पर ठोक देता। अब ये वाला बंदा करके बैठा था कैंप, तो भाई कैंप का तो एक ही इलाज है, जितने नेड है पहले नेड मारो। तो भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत बंदा पैरों के निशान देता है, पैरों के निशान पूरे रीड करने के बाद जैसे ही नेड फेंकता हूँ वो वाला बंदा फट जाता है। तो ये वाले बंदे को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मारा। तो ये वाला बंदा देखो मोस्टली बंदे ना इधर ही सीढ़ियों के पास ही बैठे होते हैं क्योंकि जैसे बंदा आएगा वो लोग मार देते हैं। तो यहाँ पर लूट वगैरह करते हैं और आगे चलते हैं और बंदे मारने के लिए। तो भाई जैसी गाड़ी लेकर जा रहा होता है इतनी देर में लेफ्ट में ना वही वाली गाड़ी दिखती है
जिसकी अपनी स्टार्टिंग में फाइट तो क्या हुई थी, वो वाला बंदा उधर से भाग जाता है। तो मेरे को लगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले बंदे को नेट वगैरह करते हैं, अगर फाइट लेते हैं तो मारते हैं। तो भाई एक नेट फेंकते, बट ये वाला नेट है ना मेरा बहुत ही गंदा नेट लगता है, क्योंकि भाई शैक के अंदर नेट फेंकना होता है, क्योंकि जायरो है, जायरो के अंदर थोड़ा बहुत हिलता रहता है, इसलिए वो वाला नेट पूरा का पूरा बारी गिर जाता है। बट भाई वो वाला बंदा ही मेरे को नेट मारता है, और तो और ये वाला नेट मेरा इधर ही गिर जाता है। तो मेरे को लगा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, तो अपने वापस से पीछे आते हैं, अब पीछे से लोकेशन लेने का ट्राई करते हैं। बट इतनी देर में सामने से बंदा मेरे को मारने लग जाता है, तो सामने वाले शैक के अंदर बंदा बैठा होता है, वो वाले मुझे मारने लग जाते हैं। तो मेरे को लगा यहाँ पर फाइट लेने का कोई मतलब नहीं है, जल्दी इधर से निकलो, जोन में जाके फाइट लेंगे, क्योंकि भाई अगर जोन के बाहर फाइट लेने का मतलब वो भी भाई दो बंदे दो उधर, तो भाई वहाँ पर अपना सैंडविच हो जाता। अब इस तरफ आते हैं, पुचिंकी वाली साइड आते हैं, देखो पुचिंकी में ब्लू वाला घर मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो भाई अपने गाड़ी इधर ही रोक लेते हैं और डायरेक्ट ऊपर चल जाते हैं, क्योंकि भाई इधर है ना मोस्टली बंदे इधर ही आएंगे, क्योंकि पुचिंकी में जोन बनने वाला था, और तो मेरे को यही था जो नेक्स्ट जोन होएगा वो भी मैं इधर ही होल्ड कर सकता हूँ। तो अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं बंदे आते हैं तो उनको मारेंगे। अब ड्रॉप भी मेरे पास ही गिरा था, तो भाई जैसा कि मुझे पता था बंदे इधर आएंगे। ये डासिया वाले को एक हेडशॉट दिया आप उन्होंने, बट भाई आखिरी वाली गोली में वो वाले बंदे की गाड़ी फट जाती है, और तो वो वाला किल भी अपने अंदर रजिस्टर हो जाता है। तो इतनी देर में भाई यहाँ पर अपने 5 किलो हो चुके थे, मैंने यहाँ पर मेरे को एक ही चीज़ का वेट था कि जैसे ही जोन मेरे पास बनेगा ना, यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया मैं कवर कर सकता हूँ। तो भाई जैसा कि आपको पता है जोन कभी भी अपना साथ नहीं देता, बट भाई जोन है ना इतना गंदा जोन था, इतना गंदा जोन था, मैं को भाई ये क्या क्या ही दे दिया इन्होंने। मतलब तो कुछ कुछ जगह घर थे, पर वो घर जो थे ना वो पुचिंकी वाले थे मोस्टली, उधर भाई बंदे होल्ड करके बैठे होंगे। बट सामने वाले बंदे की जैसी मैंने बग्घी तोड़ी, वो वाला बंदा मेरी बग्घी तोड़ने लग जाता। तो भाई मैं तो जैसे ही नीचे बैठता हूँ और डायरेक्ट जोन में निकलने का सोच लेता हूँ। तो भाई यहाँ से गाड़ी निकालते हैं और डायरेक्ट पुचिंकी वाले रास्ते चलते हैं अपने, क्योंकि पुचिंकी में जो घर है वो वाला घर पकड़ लेते हैं। अब जिस बंदे की मैंने बग्घी तोड़ी थी ना भाई, वो वाला बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है, और तो भाई वो 1 से 2 गोलियां मारता है, पर भाई मेरी बग्घी तोड़ ही देता है। तब यहाँ पर मेरे को चाहिए था घर, पहले मैंने सोचा ये नाले के अंदर मैं मेरी गाड़ी डाल दूँ, बट भाई ये वाला बंदा देखो डायरेक्ट जंप ही कर गया। तो यहाँ पर आपने देखा ही होगा मेरा यहाँ पर एक रिमोट वाला ना खुलता तो ये वाले बंदे को मैं इजी मार देता है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तो भाई वो वाला बंदा भी भाई मेरे सामने मर जाता है।